सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। लगभग 41 वर्षों के बाद जब दो बिछड़े दोस्त मिले तो दोनों के चेहरे खिल उठे। कुछ के चेहरे पर रहे थे तो कुछ दोस्त के चेहरे बदले नजर आ रहे थे। जब दोनों ने आपस में परिचय किया तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। जी हां, यह अद्भुत दृश्य दिखा डाल्टनगंज के गिरवर उच्च विद्यालय परिसर में, जहां लगभग 41 वर्षों के बाद पुराने व बिछड़े दोस्त आपस में गले मिलते दिखे। समय था वर्ष 1981 में मैट्रिक बोर्ड पास किए छात्रों का समागम व सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान का। देश विदेश के कोने कोने में अपनी प्रतिभा का कीर्तिमान स्थापित करने वाले लगभग तमाम वैसे छात्र जो वर्ष 1981 में गिरवर उच्च विद्यालय से मैट्रिक पास कर रोजगार की तलाश में अलग अलग जगहों पर बिछड़ गए थे, आज वो काफी दूर दराज से गिरवर उच्च विद्यालय परिसर पहुंच एकजुट दिखे। 1981 में गिरवर उच्च विद्यालय से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्र आज अभिभावक के साथ साथ कोई विदेश में अपना परचम लहरा रहा है तो कोई सीआरपीएफ में डीआईजी के पद पर आकर गिरवर उच्च विद्यालय व डाल्टनगंज का नाम रोशन कर, तो कोई पत्रकार, तो कोई जिले के चर्चित व्यवसायी हैं, तो कोई सरकारी मुलाजिम बन अपना सुखमय जीवन गुजार रहा है। कार्यक्रम के दौरान वर्ष 1981 के तमाम छात्र आज भी छात्र की भूमिका में नजर आए और उन्हें पढ़ाने वाले तमाम सेवानिवृत्त शिक्षक व वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया। जहां सम्मानित होकर शिक्षक गदगद दिखे व अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं छात्रों को दी, वही छात्र भी काफी गदगद हो गए। मौके पर पूरा स्कूल परिसर वर्ष 1981 के बोर्ड छात्रों व वर्तमान स्कूली छात्र छात्राओं से भरा हुआ था। यही नहीं, कार्यक्रम के दौरान जहां स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत व नृत्य कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया, वहीं वर्ष 1981 में बोर्ड पास छात्र व वर्तमान में दिल्ली में सीआरपीएफ में डीआईजी के पद पर कार्यरत धर्मेंद्र नारायण ने देशभक्ति व अपने दोस्तों के लिए मुकेश के गीत गाकर अपने दोस्तों सहित उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। आइए सुनते हैं शिक्षकों ने अपने संबोधन में क्या कहा। का आयोजन किए इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात है कि आप जहाँ भी रहें, अपने जहाँ भी हैं, वहाँ सतत सफलता की चरम सीमा तक पहुँचे, ये हमारा आशीर्वाद है और ये हृदय हृदय से आशीर्वाद है। हिंदुस्तान में फैले हिंदुस्तान से बाहर और हिंदुस्तान से बाहर भी कुछ हुआ, ये बहुत गर्व का बहुत विषय है। जो भी हो, मैं पहला यही चाहूंगा कि हर विद्यार्थी मेरा जहाँ भी हो अपने पेशा के प्रति वफादार रहे। वफादारी का फल उसको स्वतः मिलेगा। और दूसरी बात, हृदय को निर्मल रखें और अच्छे विचारों का संजय करके रखें। कि हमारे पुराने छात्रों ने हम लोगों को सम्मानित किया है, अच्छे अच्छे पद पर हैं, कोई डीआईजी हैं, कोई पत्रकार हैं, कोई मैनेजर हैं, सब कुछ हैं। और कुछ हमारे यहाँ के शहर के दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं। सबसे बेसिक तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा त्रिपाठी जी का, जो जिन्होंने मुझे याद किया, डेरा पर लोगों को भेजा। आज मुझे बाहर जाना था लेकिन बोले कि नहीं, आज मैं रहूँगा, जाऊँगा नहीं। देखिए, माली जो है, जो अपनी फुलवारी को देखता है उसमें तरह तरह के जो फूल खिले होते हैं, तो देख कर माली जो है सो गदगद हो जाता है। जैसे पूर्ववर्ती छात्र हम लोगों को याद किए या और जहाँ जो जहाँ पर हैं आगे की ओर बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। पूरे देश में पूरे इस विद्यालय की गरिमा को बढ़ाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
गिरवे स्कूल के प्रांगण में 1981 से 2022 तक की यात्रा क्रम के साक्षी रहे हमारे पूर्व शिक्षकगण, पूर्व छात्रगण और वर्तमान के छात्रगण, विद्यालय परिवार, आज प्राच्य संस्कृति का जो गुरुकुल की परंपरा में गुरुओं का सम्मान किया जाता था, विद्यालय साक्षी हो रहा है। विद्यालय अपने पुराने छात्रों के इस सम्मेलन में अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है। किसी भी संस्थान की एक ही ऐसा होती है, इच्छा होती है कि उससे निकले हुए छात्र जहां भी जाएं वहीं अपने संस्थान का नाम रोशन करें। कोई भी छात्र, व्यक्ति, नागरिक, कोई भी कार्यकर्ता है, अच्छा किया तब भी पूछा जाता है कि कहां से निकले हो, और अगर गड़बड़ किया तब भी पूछा जाता है कि कहां से पढ़ के आए हो, वहां के प्रोडक्ट हो। और वास्तव में इसी क्रम में मैं अपने पूर्व के विद्यालय के जितने सम्मानित शिक्षक हैं उनका अभिनंदन करते हुए, और वर्तमान में हमारे सहयोगी शिक्षकगण हैं उनका भी हम अभिनंदन करते हैं कि वो। वही बात करें उन छात्रों का जो आज गिरवरी उच्च विद्यालय परिसर में पहुंचे थे, वो अपने बीते पलों को याद कर काफी गदगद दिखे। कहा, यह पल कभी नहीं भुलाया जा सकता है। 41 वर्षों के बाद जब दो दोस्त मिले तो चेहरे खिल उठे। एक समय था जब दोनों साथ साथ पढ़ते थे, आज दोनों अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना कीर्तिमान स्थापित कर इस गिरवर स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, हम पहले बात करेंगे कि आखिर कैसा अनुभव लगता है। सबसे पहले तो आप ही से सवाल, कैसा अनुभव आज लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब बता नहीं सकते हैं कितना खुश हैं हम लोग और सारी ये 81 बैच के जितने हमारे मित्रगण हैं, हमारे बैचमेट, हमारे क्लासमेट हैं। बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है 41 साल के बाद एक जगह मिलना, और इस तरह से कई लोग तो 41 साल के बाद ही मिल रहे हैं यहाँ पे आज, तो बता नहीं सकता हूँ कितना खुश हैं हम लोग। और पहचान पाया कभी ऐसा लगा कि चेहरे भी पहचानने से लगा? बिल्कुल नहीं, चेहरे से तो सबको पहचान रहे थे, हाँ, लेकिन ये है कि कई लोग ऐसे भी थे जिनसे टच में नहीं थे हम लोग। आज सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, आह्लादित है हम लोग सबको। चलिए, आप कैसा लगता है, महसूस कैसा? बहुत सुखद अनुभव हुआ आज, इतने वर्षों के बाद हम मित्र एक साथ मिले जो कि कभी साथ में पढ़ा करते थे। काफी गिरवर स्कूल कितना मील का पत्थर साबित हुआ है यहाँ के शानदार कार्यक्रम जिसका मैं आभार। जी हाँ, यहाँ के शिक्षक कितने आपके लिए मतलब मील का? उनका बहुत सब सर्वोपरि है, उन्हीं का योगदान जिनके बदौलत हम लोग आज अपनी अपनी जगहों पर ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सुखद अनुभव, और ये कैसा लग रहा है? बहुत सुखद अनुभव विकास जी, इतना सुंदर अनुभव है क्या बताएं। 81 में 41 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक मेरा दोस्त अमेरिका में है, यहाँ का पड़ा हुआ जयेश पटेल, वो यहाँ वाटर कूलर 35,000 रुपया देकर नगद वाटर कूलर लगाया, और भी सभी बोला वहाँ से जो जो स्कूल की आवश्यकताएं होगी मैं अमेरिका में बैठे बैठे पूरा करूँगा मेरे माध्यम से। हम लोग बचपन के दोस्त, दूसरा क्लास का साथी एक हम हैं और एक बिजनेसमैन है अनिल जैन, वो भी दिल्ली में DPS सोनीपत स्कूल चलाता है, बहुत बड़ा बिजनेस है, डेयरी है। हम लोग सब आज इकट्ठा हुए हैं। आज बचपना याद आ गया? नहीं, बचपना की तरह जितना कल जैसे हम लोग प्लास्टिक अपने हाथ से पैक किए, ये DIG धर्मेंद्र अपने हाथ से पैक किए मिठाई बच्चों को देने के लिए, ये नहीं कि आदमी लगा सकते थे, वो गार्ड लगा सकते थे, लेकिन अपने हाथ से लगाए। और उसके बाद ऐसा अनुभव किए कि लोग पुनः बचपन बच्चा आ गया। और सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत सुखद अनुभव। आप बताइए पंकज जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्मीद से ज़्यादा हम लोग को चला। बाहर एक रहना, एक बाहर में शहर से बाहर चला जाना, फिर आना, इसमें एक अभी लग रहा है याद आ रहा है बचपन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपने बचपन में, फिलहाल अभी हम लोग अपने बचपन में चले आए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत ही।
अब तो अभिभावक बन गए, क्या बोलेंगे, अभिभावक बन गए। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, याद आ रही है। आप लोगों के सामने बचपना, बचपना जो है कभी कभी बचपना कह सकते हैं कि बचपन के दोस्त जब आपस में मिलते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। ऐसे में हमारे साथ हैं ये जैसे अनिल जैन जी, ये 1981 बैच के हैं और ये अभी गिरवर स्कूल में कार्यक्रम के दौरान पहुंचे, कैसा लग रहा है बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मरणीय क्षण है ये। हमारे बहुत साथी आए हुए, सबसे मिले आज, 40-40 साल बाद भी मिले हैं, ये हमारे लिए बहुत सुखद क्षण है। ये मतलब बचपना का कुछ याद आया, बचपना याद आया, हमें अपना पूरा पुराना समय याद आया कि हम कैसे यहाँ पढ़ते थे, हम अपने शिक्षकों की गलती पे, हमारी गलती पे मार खाते थे, आज हमें उस चीज़ की बहुत अच्छी सुखद अनुभूति हो रही है। चलिए याद बचपना एक बार फिर दोहराया, 41 वर्षों के बाद जरूर मिले लेकिन याद हर पल याद रहेगा, और आज जो सुखद अनुभव हो रहा है उसकी कल्पना करना भी कह सकते हैं सुखद जितना अनुभव हो रहा है, ये कह सकते हैं कि ये ऐसा क्षण है जो हर समय याद आएगा। और यह कार्यक्रम करके ये संदेश देना है कि भले कहीं भी हो लेकिन अपनी जमी, अपना पढ़ाई का स्कूल, अपना गुरु, तो ये एक वैसा पल है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़ डाल्टनगंज।